काली कमाई का काला नतीजा, ये कहावत बचपन में आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में तब देखने को मिला जब ऐसी कमाई के बूते बड़े सरकारी पदों पर पहुंचने वालों पर सरकार ने चाबुक चलाई और उनका डिमोशन कर दिया। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी तरीकों से प्रमोशन पाकर सरकारी बाबू बनने वाले कर्मचारियों का यूपी सरकार ने डिमोशन कर दिया है। उन्हें फिर से उसी पद पर ला खड़ा कर दिया जहाँ वो पहले हुआ करते थे, यानी चपरासी से बाबू बनने वालों को फिर से चपरासी बना दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 4 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का डिमोशन हुआ है। उन्हें वापस से चपरासी, वॉचमैन और सिनेमा ऑपरेटर असिस्टेंट बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनका प्रमोशन गैर कानूनी बताया गया था। खबर के मुताबिक बरेली जिले में नरसिंह नाम के शख्स को फिर से चपरासी बनाया गया। वो प्रमोशन पाकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने थे। इसी तरह फिरोजाबाद के दयाशंकर को फिर से वॉचमैन बनाया गया। वहीं मथुरा और भदोही जिले के विनोद कुमार और अनिल कुमार को फिर से सिनेमा ऑपरेटर असिस्टेंट बना दिया गया है। बता दें कि सूचना विभाग में काम करने वाले एक हेल्पर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। उसने ये पिटीशन अपने प्रमोशन के लिए दायर की थी और चारों का उदाहरण दिया था कि उनका प्रमोशन हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए। कोर्ट ने शख्स की याचिका को खारिज करके कहा कि प्रमोशन देना संबंधित विभाग के नियमों के हिसाब से तय होता है। फिर क्या था, इधर इस शख्स ने याचिका दायर की और उधर कोर्ट ने बाकी के प्रमोशंस पर भी जांच के आदेश दे दिए। फिर सूचना विभाग ने जांच में पाया कि बिना किसी नियम के उन चारों का प्रमोशन हुआ है। फिर विभाग ने चारों का फिर से डिमोशन कर दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई इस धांधली पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।